सो गाइस आई पी एल 2022 के ऑप्शन की नीलामी काफी जल्दी होते हुए नजर आने वाली है, लेकिन गाइस सभी फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन काफी तेजी से उनके दिमाग में घूम रहा है कि अगर एमएस धोनी एक साल बाद अगर बाई चांस आईपीएल 2023 में कप्तान नहीं रहते हैं तो चेन्नई सुपर किंग इस बार के मेगा ऑप्शन में वो कौन से 5 नए खिलाड़ी और यहाँ पे टीममेट्स को मिला के अगले साल होने वाले आईपीएल के अगले साल कौन से कप्तान को ढूंढती हुई नजर आने वाले, यानी इस बार का नीलामी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है चेन्नई को। ना सिर्फ यहाँ पे अपने खिलाड़ियों को ही चुनना है टीम में बल्कि अपने टीम के कप्तानी को भी काफी बेहतर बनाना है। तो गाइस काफी डिटेल वीडियो रहने वाली है चेन्नई के नेक्स्ट 5 आपके जो नेक्स्ट कैप्टन हो सकते हैं उनके बारे में बिल्कुल पॉसिबिलिटी न्यूज देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो को अभी लेकर पूरा एंटर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले खिलाड़ी के नाम की जो कि चेन्नई के कप्तानी का एकदम उत्तराधिकारी बनने के एकदम हकदार है, इनका नाम है रविंद्र जडेजा। जडेजा की हम लोग बात कर लिया जाए तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहली प्रायोरिटी जब भी मिलेगी अगर यहाँ पे जडेजा रिटेन होते हैं तो हमेशा जडेजा को सबसे पहले मिलने वाली है, क्योंकि जडेजा चेन्नई के एकदम सीनियर खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं और चेन्नई की जान है। तो इस वजह से अगर बात कर लिया जाए तो जडेजा वैसे भी एकदम इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और चेन्नई के फ्यूचर में कैप्टन के तौर पे भी चुने जाने का इनका पूरी पूरी उम्मीदें बनी रहने वाली है। और गाइस यहाँ पे सभी लोगों का ये भी कहना है, खासकर चेन्नई के मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि जडेजा को अगले साल ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनके वाइस कैप्टन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी धोनी जब भी हटेंगे तो यहाँ पे जडेजा जरूर से कप्तानी का सबसे तेजी से जो दावा यहाँ पे लपेटा जाएगा, जो फेंका जाएगा, वो यहाँ पे जडेजा को यहाँ पे मिलता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक डाउट भी है, क्योंकि अगर मेगा ऑप्शन में कप्तानी वाला अगर प्लेयर यहाँ पे शामिल होता है तो यहाँ पे मामला बदल सकता है। और गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं दूसरे खिलाड़ी की। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एमपीएल के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें सेमीफाइनल और फाइनल्स का माहौल बचा हुआ है और गाइस यहाँ पे आपको एमपीएल में बड़े बड़े यहाँ पे छूट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर आप टीम बनाते हैं तो आपके पास मौका है पूरे 1 करोड़ रुपए जीतने का। दूसरा फायदा यहाँ पे हो रहा है कि मिनिमम 35 रुपए के डिपॉजिट पे आपको 1000 रुपए कैशबैक मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। इन लोगों की तरफ आप भी फ्री में खेलते लखपति करोड़पति बनते हुए नजर आ रहे हैं, आ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 99 टीम बना सकते हैं। हाँ गाइस ज्यादा से ज्यादा टीम बना के ज्यादा से ज्यादा आपके पास मौका है कि कैश जीतते हुए नजर आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके फटाफट से फैंटेसी 11 बनाना स्टार्ट करिए। और गाइस ये आज की मेरी फैंटेसी 11 जो कि मैंने बनाई है, तो इस तरीके की फैंटेसी 11 आप भी बना सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद है, एमपीएल ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। तो चलिए तो गाइस फाइनली हम बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी के नाम की जो कि यहाँ पे कप्तानी का दावा पेश करते हुए नजर आ सकते हैं, इनका नाम है फाफ डुप्लेसिस। अब फाफ डुप्लेसिस की बात कर लिया जाए तो चेन्नई के बिल्कुल ये भी एकदम सीनियर खिलाड़ी रहने वाले हैं चेन्नई के लिए। आईपीएल 2018 ऑप्शन में ये रिटेन हुए थे और अभी तक माना यह जा रहा है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑप्शन में भी ये खिलाड़ी यहाँ पे रिटेन होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि एक विदेशी खिलाड़ी, दो विदेशी खिलाड़ी को आप रिटेन कर सकते हैं वहां पे, इनका नाम बिल्कुल 101% कंफर्म है कि रहता हुआ नजर आने वाला है। और चेन्नई यहाँ पे जरूर से जान रही है कि डुप्लेसिस की उम्र हो चुकी है, लेकिन चेन्नई की कमान 3-4 साल ये अभी भी संभाल सकते हैं और चेन्नई को काफी अच्छी तरीके से मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। और गाइस यहाँ पे दूसरे खिलाड़ी जो कि यहाँ पे कप्तानी का दावा अपना पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका नाम है फाफ डुप्लेसिस। तो गाइस फाइनली में बात करने वाले हैं तीसरे खिलाड़ी के नाम की जो कि चेन्नई के अगले कप्तान बनने के बिल्कुल पूरे पूरे हकदार यहाँ पे बन सकते हैं, इनका नाम है ईशान किशन। ईशान किशन को मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ कि चेन्नई इस बार के मेगा ऑप्शन में ईशान किशन के पीछे काफी ज्यादा रुपए लगाते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि ये काफी बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है, इनके अंदर आईपीएल की पूरी अनुभव आ चुका है और साथ में अब टीम इंडिया का भी इनके लिए द्वार खुल चुका है। और यहाँ पे अगर बात कर लिया है दिल्ली कैपिटल्स की तो यहाँ पे ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं और ईशान किशन तो पहले ही से यहाँ पे कप्तान रहने वाले, अंडर 19 कप्तानी कर चुके हैं, झारखंड की लगातार ये कप्तानी करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के कप्तान हैं ही। और इंडिया ए के भी जब कप्तानी की बात आती है तो यहाँ पे इनका ही नाम चुना जाता है। और गाइस यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के कप्तानी का जो दायित्व है वो भी यहाँ पे ईशान किशन को यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता होगा। ईशान किशन अगर चेन्नई की टीम में शामिल होते हैं इस बार की मेगा ऑप्शन में, अगर इनका नाम चुना जाता है और अगर ये चेन्नई के कपड़ों में हमें अगले साल देखने को मिलते हैं तो ये 101% कंफर्म है कि यही चेन्नई के नेक्स्ट कप्तान होते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस फाइनली में बात करने वाले हैं चौथे खिलाड़ी के नाम की जो कि चेन्नई के कप्तानी का एकदम बिल्कुल दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका नाम है केएल राहुल। केएल राहुल की बात कर लिया जाए तो अभी माना ये जा रहा है कि ये पंजाब किंग्स की तरफ से यहाँ पे छूटते हुए नजर आने वाले हैं। पंजाब किंग्स की टीम इन्हें इस बार के मेगा ऑप्शन में हो सकता है छोड़ती हुई नजर आए, क्योंकि इनके बीच की जो रिलेशन है अभी वो ठीक नहीं चल रहे हैं और इस वजह से केएल राहुल यहाँ पे रिलीज होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन गाइस जैसे ही ये खिलाड़ी रिलीज होगा
चेन्नई के रिगार्ड में चढ़ता हुआ नजर आने वाला है। चेन्नई की टीम इनके पीछे जाने वाली है और ईशान किशन बाई चांस अगर नहीं मिल पाते हैं, केएल राहुल मिल जाते हैं मेगा ऑक्शन में, तो ये इनके अगले कप्तान बनने के बिल्कुल हकदार रहने वाले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में ये टीम इंडिया के वाइस कैप्टन भी बन चुके हैं। अभी आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है अगर रोहित शर्मा चोटिल होते हैं या फिर एक आध दो सीरीज के लिए इन्हें रेस्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली टीम इंडिया के ये कप्तान बन जाएंगे। ये पहले भी इनके पास अनुभव रहने वाला है आईपीएल कप्तानी का, और यहाँ पे चेन्नई के कप्तानी का भी पूरी तरीके से अनुभव का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमएस धोनी अभी एक साल और इनके टीम के साथ रहने वाले हैं और इनके जो भी नेक्स्ट कप्तान बनने के हकदार रहेंगे उन्हें एमएस धोनी पूरी तरीके से टिप्स और ट्रिक्स पूरी तरीके से दे जाएंगे कि कैसी कप्तानी करनी है, कैसे टीम को संभालना है, कैसे पावर करना है। तो यहाँ पे आ गए यहाँ पे केएल राहुल भी वो चौथे खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे कप्तानी का दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं पांचवें और अंतिम खिलाड़ी के नाम के, और गाइस यहाँ पे सुरेश रैना या संजू सैमसन में से किन्हीं एक खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। हाँ गाइस यहाँ पे दो खिलाड़ियों का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सुरेश रैना की बात कर लिया जाए तो ये पहले से ही चेन्नई के काफी बड़े खिलाड़ी है, काफी सीनियर खिलाड़ी है, मिस्टर आईपीएल के नाम से इन्हें जाना जाता है। भले इस बार के मेगा ऑक्शन में जाने वाले हैं, अगर यहाँ पे रैना को चेन्नई की टीम फिर से शामिल कर लेती है तो हो सकता है कि इन्हें कप्तान भी बना सकती है, और वही संजू सैमसन अगर यहाँ पे चेन्नई की टीम में शामिल होते हैं तो ये भी कप्तानी के बिल्कुल हकदार रहने वाले हैं। लेकिन संजू सैमसन की बात कर लिया जाए तो इनका चांसेस थोड़े से कम रहने वाले हैं एज कम्पेयर टू सुरेश रैना। और गाइस यहाँ पे पांचवें खिलाड़ी जो कि कप्तान बनते हुए नजर आ सकते हैं उनका नाम सुरेश रैना, और गाइस ये थे वो पांच खिलाड़ी जो कि चेन्नई के नेक्स्ट कप्तान बनने के पूरे हकदार रहने वाले हैं। और गाइस आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इनमें से कौन सा वो खिलाड़ी है जो कि कप्तान बन सकता है, आपकी जो राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट से एमपीएल ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा क्योंकि ऑफर की समय भरमार चली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के।